गुड मॉर्निंग एवरी वन, टुडे वी विल डिस्कस सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग फ्रॉम शेप्स एंड सॉलिड। सॉलिड और शेप्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरेट होते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कुछ ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कुछ न्यू क्वेश्चन भी है जिसको हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे। पहले की तरह हर एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, इस बीच में आपको उसका आंसर कर लेना है। अगर आपने अब तक मेरा सारा लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पर आप हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आप आंसर कर पाओगे। अदरवाइज़ यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन सारा क्वेश्चन। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ स्क्वायर प्रिज्म हैज़ एजेस। एक स्क्वायर प्रिज्म है जिसके पास एजेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं? राइट आंसर आप कमेंट में कमेंट कीजिए। आपको पता है प्रिज्म के पास 2 बेस है और उसके पास कितने एजेस होते हैं? अगर स्क्वायर प्रिज्म है तो उसके पास 2 स्क्वायर बेस हो जाएगा। तो स्क्वायर बेस होने के होगा वहाँ पर, इसका मतलब बेस एजेस वहाँ पर बेस के पास टोटल हो गया 8 बेस एजेस हो गए। और वर्टिकल 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 टोटल वहाँ पर 4 हो जाएगा, इसका मतलब 8 + 4 टोटल 12 बेस एजेस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 बेस एजेस। आगे आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो शेप से है और सॉलिड से है। शेप मीन्स बहुत सारा, फ्रंट में हम लोग रखेंगे तो कैसा दिखेगा, कोई प्रिज्म है, पिरामिड है तो फ्रंट में कैसा दिखने वाला है, रेक्टेंगल है तो कैसा दिखने वाला है। तो कुछ शेप से क्वेश्चन होता है, जनरेट होता है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कुछ सॉलिड से भी होता है कि ये सॉलिड है तो उसके पास कितने एजेस है, ये पिरामिड है तो उसके पास कितने एजेस है। तो ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का राइट आंसर 12 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड देख लेते हैं। व्हाट विल बी द जनरेटेड शेप इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स परपेंडिकुलर साइड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग देखे हुए हैं, एग्जाम में भी आया हुआ है। तो बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको एक परपेंडिकुलर साइड से हम लोग रोटेट कर दें तो कौन सा शेप जनरेट होगा। तो काफ़ी बार हमने ये डिस्कस कर लिया है, इस साइड को हमने फिक्स कर लेना है और इसको रोटेट कर देना है, तो जो शेप मिलता है वो एक कोन का शेप मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कोन। काफ़ी इजी बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको सॉलिड और शेप के बारे में पता है कि प्रिज्म कैसा होता है, पिरामिड कैसा होता है, कोन कैसा होता है, आप राइट आंसर इजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हेन अ सेमी सर्कल इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर सॉलिड जनरेटेड विल बी। कोई सेमी सर्कल है, उसको अगर हम लोग रोटेट करते हैं उसके डायमीटर के अबाउट, तो जो सॉलिड जनरेट होगा वो कैसा जनरेट होता है। सेमी सर्कल मीन्स ये सेमी सर्कल है, इसको डायमीटर के अबाउट हम लोग रोटेट करेंगे, तो जब भी डायमीटर के अबाउट रोटेट करेंगे तो हम लोग जो शेप मिलने वाला होता है वो हम लोग को एक स्फीयर जैसा शेप मिल जाएगा, ये एक स्फीयर बन जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट आर द शेप्स ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ अ राइट एंड रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड। व्हाट आर द शेप्स ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ अ राइट एंड रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड। एक ट्रायंगुलर पिरामिड है, उसका बोल रहा है कि वर्टिकल फेसेस जो होता है वो कौन से शेप का होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। बहुत सारा स्टूडेंट का ये सब क्वेश्चन काफ़ी ईजी लग रहा होगा, तो वो रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी रिविजन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, रिविजन करते हुए चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन काफ़ी बार हमने डिस्कस कर लिया है ये सब क्वेश्चन। तो जब भी राइट एंड रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, तो पिरामिड मतलब उसके पास एक बेस होगा और उसके पास वर्टिकल फेस होता है। तो पिरामिड है तो पिरामिड के पास हमेशा ट्रायंगुलर फेस होता है, और ट्रायंगुलर फेस जो होता है वो क्या होता है, उसका बेस का शेप अलग होता है, बेस का साइज अलग होता है, और जो अपर जो इंक्लाइंड एजेस होता है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा, तो जब वैसा ट्रायंगल जहाँ पर दो साइड इक्वल है, तो उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अ स्क्वायर पिरामिड इज प्लेस्ड ऑन HP, देन एलिवेशन विल बी ऑफ शेप। कोई स्क्वायर पिरामिड को हम लोग HP पर रखे हैं, तो उसका एलिवेशन जो होगा वो क्या होता है। तो एलिवेशन मतलब पहले आपको समझना है, एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू। यहाँ पर फ्रंट व्यू पूछ रहा है, फ्रंट व्यू क्या होगा, तो फ्रंट व्यू क्या होना है, जब भी कोई स्क्वायर पिरामिड को उसके बेस HP पर रखते हैं तो फ्रंट क्या बनता है, फ्रंट व्यू में हमेशा हम लोगों को ट्रायंगल दिखता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फ्रंट व्यू में क्या दिखने वाला है, टॉप व्यू में क्या दिखने वाला है। तो फ्रंट व्यू में हम लोग को ट्रायंगल बनेगा, जब भी पिरामिड है तो फ्रंट व्यू में ट्रायंगल बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अ स्क्वायर प्रिज्म हैज़ रेक्टेंगुलर फेसेस। कोई स्क्वायर प्रिज्म है, उसके पास कितने रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे, ये यहाँ पर बताना है।
तो प्रिज्म के पास कितने रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे वो कैसे डिपेंड करता है, वो बेस पर डिपेंड करता है। बेस अगर स्क्वायर शेप का है तो उसके पास रेक्टेंगुलर फेसेस टोटल कितने होते हैं, टोटल 4 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। अगर स्क्वायर बेस है, स्क्वायर प्रिज्म है तो 4 रेक्टेंगुलर फेसेस, पेंटागोनल प्रिज्म है तो 5 रेक्टेंगुलर फेसेस, और हेक्सागोनल प्रिज्म है तो उसके पास 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर प्रिज्म है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, स्क्वायर पिरामिड हैज़ फेसेस, कोई स्क्वायर पिरामिड है उसके पास फेसेस जो होते हैं वो कितने होते हैं और कौन से शेप का होता है। तो पिरामिड है तो पिरामिड में आपको पता है जो फेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, ये तो आपको पहले से पता हो गया ट्रायंगुलर। अब कितने होते हैं, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर के पास 4 ही होगा, 4 ट्रायंगुलर फेसेस, तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, 4 ट्रायंगुलर फेसेस यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पिरामिड है तो ट्रायंगुलर फेसेस होगा, और स्क्वायर पिरामिड है तो 4 ट्रायंगुलर फेसेस होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ऑल द फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन आर, कोई टेट्राहेड्रॉन है उसके पास ऑल फेसेस किस शेप का होता है वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो काफ़ी बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, एक टेट्राहेड्रॉन है उसके पास क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, बेस भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का बना होता है, और ऊपर का जो इंक्लाइंड एजेस फेसेस होता है वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो टोटल 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलकर एक टेट्राहेड्रॉन बनता है। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ऑल फेसेस होते हैं वो कौन से शेप का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ हेक्सागोनल प्रिज्म हैज एजेस, कोई हेक्सागोनल प्रिज्म है उसके पास कितने एजेस है वो यहाँ पर बताना है। आपको पता है हेक्सागोनल प्रिज्म के पास 2 बेस होगा, जिसका शेप जो होता है वो हेक्सागोनल शेप का होता है, इसका मतलब 6 अपर बेस के पास एज हो गया, 6 लोअर बेस के पास एज हो गया, और वर्टिकल वर्टिकल जो एजेस होता है वहाँ पर 6 और हो जाएगा, 6 + 6 + 6 टोटल 18 एजेस यहाँ पर हेक्सागोनल प्रिज्म के पास होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, अ हेक्सागोनल पिरामिड इज प्लेस्ड ऑन द HP देन एलिवेशन विल बी ऑफ शेप, कोई हेक्सागोनल पिरामिड है उसको हमने HP पर रख लिया है तो उसका एलिवेशन जो होगा वो क्या होगा, एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू यहाँ पर क्या होने वाला है वो हमें यहाँ पर पूछ रहा है। फ्रंट व्यू क्या होने वाला है आपको बताना है, कोई भी पिरामिड है उसको उसका बेस को HP पर रखेंगे, चाहे वो पिरामिड स्क्वायर शेप का हो या पेंटागोनल हो या हेक्सागोनल हो, हमें फ्रंट व्यू में एलिवेशन में मतलब फ्रंट व्यू में हमें ट्रायंगल ही दिखने वाला है। तो यहाँ पर जो होगा फ्रंट व्यू में एलिवेशन में हमें ट्रायंगल ही दिखेगा, चाहे वो स्क्वायर पिरामिड हो, चाहे वो पेंटागोनल हो, चाहे हेक्सागोनल हो, अगर उसका बेस को हमने HP पर रखा है तो फ्रंट व्यू में हमेशा हमें ट्रायंगल दिखता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, टोटल फेसेस इन टेट्राहेड्रॉन इज, टेट्राहेड्रॉन में टोटल कितने फेसेस होते हैं, अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, टेट्राहेड्रॉन के पास 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तो वही यहाँ पर पूछ रहा है टोटल कितने फेसेस होते हैं, तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करना है, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, अ क्यूबॉइड हैज़ एजेस, एक क्यूबॉइड है उसके पास कितने एजेस होते हैं, तो क्यूब के पास अगर आप एजेस बता सकते हो तो क्यूबॉइड के पास भी इजीली बता सकते हो, क्यूब के पास सब फेसेस सेम होते हैं बस, बट क्यूबॉइड के पास अलग अलग होते हैं, तो क्यूबॉइड के पास कितने एजेस होते हैं वो आप यहाँ पर से काउंट कर सकते हो इजीली, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 फ्रंट का फेस पे हो गया, 4 बैक का हो गया, और यहाँ पर एक हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो 4 + 4 और यहाँ पर +4 हो गया, टोटल 4 + 4 + 4 12 एजेस हो जाएगा। तो क्यूब के पास भी 12 ही होता है, क्यूबॉइड के पास भी 12 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, 15 एजेस आर इन, वैसा सॉलिड का यहाँ पर नाम बताना है जिसके पास 15 एजेस होते हैं, तो 15 एजेस किसके पास होते हैं आपको बताना है। 15 एजेस मतलब अगर हम लोग पेंटागोनल प्रिज्म रख लें तो हमारे पास 15 एजेस हो सकते हैं, बिकॉज पेंटागोनल प्रिज्म के पास 5 अपर बेस के पास एज होते हैं, 5 लोअर बेस के पास 5 एजेस हो जाएंगे, और 5 वर्टिकल एजेस होते हैं, तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 15 एजेस हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पेंटागोनल। तो पेंटागोनल प्रिज्म अगर हम लोग देख लें ऑप्शन में तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पेंटागोनल प्रिज्म।
पेंटागोनल प्रिज्म में 5 एजेस होते हैं, 15 एजेस होते हैं, और हेक्सागोनल हो गया तो 18 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया तो 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ अ पिरामिड इज, पिरामिड का जो वर्टिकल फेसेस होता है वो कौन से शेप का होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता है पिरामिड का जो वर्टिकल फेसेस होता है वो हमेशा ट्राइंगल ही होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिज्म हैज़ वर्टिकल फेसेस, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। प्रिज्म हैज़ वर्टिकल फेसेस, वर्टिकल फेसेस, प्रिज्म के पास जो वर्टिकल फेसेस होता है उसका शेप यहाँ पर पूछ रहा है, तो प्रिज्म है तो उसके पास हमेशा जो वर्टिकल फेसेस का शेप होता है वो रेक्टेंगल ही होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्यूब हैज़ फेसेस ऑफ शेप, क्यूब के पास जो फेसेस होता है उसका शेप क्या होता है वो यहाँ पर बता पूछ रहा है। तो क्यूब मतलब जिसके पास स्क्वायर फेसेस होता है और सारा जो होता है वो इक्वल ही होता है, टोटल वहाँ पर कितने स्क्वायर फेसेस होते हैं, 6 स्क्वायर फेसेस मिलकर क्यूब जो होता है वो बनता है, 6 स्क्वायर फेसेस जो होकर वो क्यूब बनता है, तो क्यूब के पास जो फेसेस होते हैं वो क्या किस शेप के होते हैं, वो स्क्वायर शेप का होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल सिलेंडर इज, कोई वर्टिकल सिलेंडर है उसका एलिवेशन हमने करना है यहाँ पर, तो उसका एलिवेशन क्या होगा वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो वर्टिकल सिलेंडर का जब भी एलिवेशन होता है, एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू हमें यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। तो फ्रंट व्यू मतलब सिलेंडर का हमारा बेस HP पर रख लिया, फ्रंट में हमें क्या दिखता है, फ्रंट व्यू पर हुआ, फ्रंट व्यू में हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, तो वर्टिकल सिलेंडर का जो एलिवेशन होगा वो रेक्टेंगल होगा, ऑप्शन नंबर डी। वर्टिकल मतलब सिलेंडर जो है ऐसे रखा हुआ है, एक्सिस वर्टिकल है उसका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ अ राइट एंड रेगुलर स्क्वायर पिरामिड आर, जो राइट एंड रेगुलर स्क्वायर पिरामिड है उसके पास जो वर्टिकल फेसेस होते हैं वो किस शेप का होता है वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है, आप लग रहा होगा पहले वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन अब देखो ऑप्शन से समझ में आएगा। ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ राइट एंड रेगुलर स्क्वायर पिरामिड आर, जो राइट एंड रेगुलर स्क्वायर पिरामिड होता है उसका वर्टिकल फेसेस क्या होता है, आइसोसेलस ट्रायंगल होता है, यहाँ पर दो साइड इक्वल होता है और नीचे का अलग होता है, तो उसको आइसोसेलस ट्रायंगल हमने सर्च करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये तो होगा नहीं, रेक्टेंगल ये भी नहीं होगा, स्क्वायर ये भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दिस ही हमें सेलेक्ट करना होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। बेस ऑफ राइट एंड रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड इज, बेस ऑफ राइट एंड रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड इज मतलब पेंटागोनल पिरामिड है उसका बेस जो है वो बेस कौन से शेप का है वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ बेस ऑफ पेंटागोनल पिरामिड, मतलब पेंटागोनल पिरामिड का कौन सा बेस का शेप क्या है। तो आपको पता है पेंटागोनल पिरामिड है, इसका मतलब उसके पास जो बेस होगा उसका शेप पेंटागोनल शेप होगा या पेंटागोन के शेप का होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। वही अगर वर्टिकल फेसेस बोलता तब वहाँ पर ट्राइंगल हो जाता, लेकिन यहाँ पर बेस बोल दिया है तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जनरेटेड भी है, सेल्फ जनरेटेड भी है, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए मैंने उसको जनरेट करके इंक्लूड किया है, और कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए भी हैं तो इसलिए दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके मैंने डाला है। क्वेश्चन देख लीजिए। रेगुलर क्यूब हैज़, एक रेगुलर क्यूब है उसके पास मतलब उसका शेप जो होता है फेस का वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है 12 इक्वल स्क्वायर सर्फेसेज, 12 तो होते नहीं हैं, उसके पास 6 स्क्वायर सर्फेसेज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए डायरेक्ट, 6 इक्वल स्क्वायर सर्फेसेज यहाँ पर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्यूब के पास जो होता है वो स्क्वायर शेप का होता है और टोटल 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म आर, जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसका वर्टिकल फेसेस क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका आया हुआ है। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसका वर्टिकल फेसेस आपको बताना है कि कौन से शेप का होता है। देख लीजिए यही ट्रायंगुलर प्रिज्म है, 3D में मैंने बनाया है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो वर्टिकल फेसेस है वो ट्रायंगल रेक्टेंगल शेप का होता है, आपको यहाँ पर रेक्टेंगल दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्लान ऑफ अ सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP, कोई सिलेंडर है जिसका बेस को HP पर रखा गया है तो उसका प्लान पूछ रहा है। तो प्लान एक्चुअल में होता क्या है, प्लान मीन्स टॉप व्यू,
एलिवेशन मीन्स फ्रंट व्यू। तो यहाँ पर सिलेंडर जो है वो एचपी पर रखा गया है, एचपी पर रखा गया है तो हमें एलिवेशन में तो रेक्टेंगल दिखेगा और प्लान में क्या दिखेगा हमें ट्रायंगल, प्लान में हमें सर्कल दिखने वाला है। तो राइट आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सर्कल। अगर एलिवेशन पूछता तो रेक्टेंगल राइट आंसर होता, यहाँ पर प्लान पूछा है मतलब टॉप व्यू पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। अ कोन हैज़ जनरेटर्स, एक कोन के पास कितना जनरेटर्स होता है वो यहाँ पर बताना है आपको, वन होगा कि टू होगा कि इन्फानाइट होता है या थ्री होता है। तो आपको पता है कोन के पास इन्फानाइट नंबर ऑफ जनरेटर होता है, जितना भी वो यहाँ पर बना होता है अंदर में इमेजनरी रहता है, वहाँ पर हम जैसे जैसे टर्न करेंगे कोन को हमारा वो जनरेटर का लास्ट वाला जो एज होगा वो जनरेटर का ही काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि वहाँ पर इन्फानाइट जनरेटर है, जो भी जनरेटर जो भी सॉलिड का पोर्शन कोन का लास्ट में आ गया वो एक जनरेटर हो जाता है। अगर हम लोग कोन को टर्न कर दें तो जो फिर लास्ट में आ जाएगा टर्न करने के बाद एज, वो हमारा जनरेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्फानाइट नंबर ऑफ जनरेटर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रिज्म हैज़, प्रिज्म के पास क्या पूछ रहा है आप देख लो ऑप्शन से, वन बेस, बेस के बारे में पूछ रहा है, वन बेस होता है, टू बेस होता है, फोर बेस होता है या टू सर्कुलर बेसिस होता है, यहाँ पर आपको राइट आंसर कमेंट करना है। प्रिज्म आपको पढ़ाया था जब पोजिशन ऑफ सॉलिड का बेसिक जब लेक्चर पढ़ाया था सॉलिड का, तो वहाँ पर बताया था प्रिज्म के पास हमेशा आपको, प्रिज्म के पास हमेशा दो बेस होता है, टू बेस होता है इसके पास, तो टू बेसेस यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा टू बेसेस। वही पिरामिड के बारे में पूछेगा तो यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरामिड हैज़ वन बेस, टू बेसेस, फोर बेसेस या नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो पिरामिड के पास कितने बेसेस होते हैं आपको पता है, पिरामिड के पास हमेशा वन बेस होता है, एक ही बेस होता है हमेशा, पिरामिड के पास एक बेस होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह डिफरेंस भी दोनों में होता है, हमेशा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं प्रिज्म और पिरामिड में, तो प्रिज्म मतलब दो बेस, पिरामिड मतलब एक बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है पेंटागोनल प्रिज्म हैज़ वर्टिकल फेसेस, कोई पेंटागोनल प्रिज्म है उसके पास वर्टिकल फेसेस जो होते हैं वो कितने होते हैं, ये यहाँ पर पूछ रहा है, और कौन से शेप का होता है ये भी यहाँ पर पूछ रहा है। तो पेंटागोनल है तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि फाइव होगा, फाइव ही वर्टिकल फेसेस हो सकता है, तो फाइव तो सब में हमें दिख रहा है। अब वो जो प्रिज्म है, प्रिज्म के पास जो वर्टिकल फेसेस होता है वो कौन से शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर होता है, वह यहाँ पर कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको दिया गया है। तो पेंटागोनल प्रिज्म है तो उसके पास हमेशा रेक्टेंगुलर फेसेस होगा, तो जहाँ पर भी रेक्टेंगुलर आपको नज़र आ रहा है वहाँ देख लेंगे, और फाइव अगर होगा तो वही राइट आंसर हो जाएगा। फाइव तो सब में लगा हुआ है, रेक्टेंगुलर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर राइट आंसर होगा, फाइव रेक्टेंगुलर फेसेस या फाइव रेक्टेंगुलर वर्टिकल फेसेस यहाँ पर पेंटागोनल प्रिज्म के पास होता है। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, आप देख लीजिए 26 आउट ऑफ कितना आपने सॉल्व किया है। आई थिंक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, जिसको शेप और सॉलिड के बारे में कंफ्यूजन नहीं है वो इसको इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, और इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, चांसेस है कि आपका जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कुछ क्वेश्चन इसमें से भी रहेंगे। और एक और बात बता दूँ आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है प्लेलिस्ट में बनाया है, वहाँ पर आई थिंक 8 या 9 लेक्चर होगा या 10 लेक्चर जो भी होगा या 11 लेक्चर होगा, उसको आप वन बाई वन करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम आपका यहाँ पर होने वाला है उससे क्वेश्चन रहेंगे, दो पार्ट में क्वेश्चन को बांटा जाएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते रहेंगे और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव का अगर प्रिपरेशन करना है तो इतना कम से कम लेक्चर आपको देख लेना होगा, इसी से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और सब्जेक्टिव जो पढ़ाया गया है सब्जेक्टिव उससे रहेगा, वो आपको बता दिया जाएगा कि सब्जेक्टिव कहाँ से मिल जाएगा आपको। तो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर इंजीनियर सलाह ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ रहेगा, आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो आप वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, या फेसबुक पर भी पेज बना हुआ है उस पेज पर मैसेज का ऑप्शन दिया गया है, आप वहाँ पर मैसेज करके आप कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। लेक्चर को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।